तो गाइस 25,000 रुपीज़ की कैटेगरी में एक और वीवो की तरफ से फ़ोन आ गया है जो कि है वीवो का Y100। और आज हम लोग इसी फ़ोन के बारे में आपको बताएंगे और अपना रिव्यू शेयर करेंगे, ये फ़ोन कैसा है, कहाँ स्टैंड करता है और आपको ये बाय करना चाहिए कि नहीं। वैसे इसमें काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स आते हैं और 25,000 रुपीज़ की कैटेगरी में ये वाला फ़ोन लॉन्च हुआ है। तो देखते हैं ये फ़ोन कैसा है। मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स में सबसे पहले आपको फ़ोन देखने को मिलता है, देन इसमें आपको एक ट्रांसपेरेंट केस देखने को मिल जाएगा, देन आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाती है और एक 44 वॉट का अडेप्टर देखने को मिलता है। टाइप ए टू टाइप सी केबल दी गई है और एक सिम इजेक्टर टूल। सो अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं तो आपको इसमें प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है एंड जो फ्रेम्स दिए गए हैं ये भी प्लास्टिक हैं। एंड देखने में सीरियसली गाइस ये प्रीमियम फोन लगता है देखने में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीवो के फोन्स की डिजाइन बहुत ही ऑसम रहती है। मेरे पास अभी जो है ये गोल्ड कलर वाला वेरिएंट है और इसमें एक ब्लू कलर का वेरिएंट और आता है और काफी इंटरेस्टिंग लुक ये प्रोवाइड कर दे रहा है। एकदम प्रीमियम फोन लगता है देखने में। शाइनी बैक है और जो कैमरा मॉड्यूल है इसके साइड साइड में आपको ग्लास फिनिश देखने को मिलती है जो इस फोन को काफी प्रीमियम बना देती है। इन हैंड फील की बात करो तो इसमें आपको फ्लैट एजेस देखने को मिलती है बट साइड्स में आपको थोड़ा कर्व दे दिया गया है जिसकी वजह से इन हैंड फील बहुत ही बेटर निकल के आती है। अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें जो कैमरा है उसमें एक शाइनी कलर की रिंग दी गई है जो कि इस फोन की लुक को काफी ज्यादा एनहांस कर रही है। एंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा OIS, यस इसमें आपको OIS देखने को मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन। बढ़ते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स तरफ। तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है स्पीकर ग्रिल, देन आपके पास आ जाता है टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक एंड एक माइक। देन राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है एंड एक पावर बटन। एंड ऊपर तरफ आपको देखने को मिलता है सिम कार्ट्रेज जिसमें आप दो सिम और एक एसडी कार्ड लगा पाओगे और एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। लेफ्ट हैंड साइड पूरी प्लेन है एंड इसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है 8+128GB का। एंड इसमें आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक ये जो मेरे पास है गोल्ड एंड एक और आता है ब्लू कलर का। एंड गाइस इस फोन की वेट की बात करें तो इसका वेट है 181 ग्राम्स, तो काफी अच्छा लाइट वेट फोन ही बन जाता है। एंड थिकनेस भी काफी अच्छी है, 7.5mm की थिकनेस दी गई है इसमें। सो अब डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 6.38 इंच की एक FHD+ AMOLED डिस्प्ले जिसमें आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 83.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। एंड इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है जो कि जनरली बहुत से लोगों को पसंद आती है और कुछ लोगों को नहीं आती। सो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको वाटर ड्रॉप नॉच पसंद आती है या नहीं। वैसे अगर इसमें पंच होल दिया होता वो भी इस प्राइसिंग में तो इट इज मच बेटर। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आती है 8GB की LPDDR4X रैम एंड 128GB की UFS 2.2 स्टोरेज टाइप जो कि इस फोन को काफी ज्यादा फास्ट एंड स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है। एंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आता है आपके MediaTek Dimensity 900 जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 6nm पे बेस्ड ये प्रोसेसर है, तो यार इट इज पावर एफिशिएंट एज वेल। एंड हमने इसमें गेमिंग टेस्ट रन किया था तो इसमें आप आराम से हाई सेटिंग्स पे गेमिंग कर पाओगे, फोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता है। वीवो ने इसको वेल ऑप्टिमाइज किया है सो दैट इज गुड, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ एकदम मक्खन की तरह होगा। बाकी इसमें बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इसमें आती है 4500mAh की मैसिव बैटरी एंड 44W की फास्ट चार्जिंग जो कि आराम से फोन को 45 मिनट्स पे फुल चार्ज कर देगा। एंड बैटरी बैकअप की बात करूँ तो इसमें 6nm का प्रोसेसर आता है जो कि बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, सो आपको आराम से इसमें एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। You should not have any problem. Overhand UI के बारे में बात करूँ तो इसमें आता है Fun Touch OS which is based on Android 13. So हाँ आपको smooth experience देखने को मिल जाता है and थोड़े बहुत bloatwares आते हैं जिन्हें आप delete कर पाओगे, so you should not have any problem. बाकी sensors की बात करें तो इसमें आपको fingerprint देखने को मिल जाता है जो काफी fast unlock हो जाता है and face unlock भी देखने को मिलता है which is pretty fast as well. Connectivity के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 6 5G bands देखने को मिल जाते हैं, 4G का support देखने को मिलता है एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा drawback है कि यहाँ पे आपको Wi-Fi 4 दिया गया है बट इस इज डिसेंट। एंड ब्लूटूथ की बात करूँ तो इसमें आपको आता है ब्लूटूथ वर्जन 5.1 विच इज़ गुड। एंड मल्टीमीडिया के बारे में बात करूँ जिसमें आपको HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका बहुत ही बेटर रहने वाला है। सिंगल स्पीकर्स आते हैं जिनकी क्वालिटी सही में बहुत ही बेटर निकल के आती है, सो आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर रहने वाला है, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड इसमें आपको कैमरा टू API का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वाइड वन 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड सभी सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी अब बात करते हैं कैमरा की, तो इसमें आता है 64MP का OIS सेंसर एंड देन आपके पास आता है 2MP का डेप्थ एंड देन 2MP का मैक्रो।
एंड इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। सो ये कुछ सैंपल्स हमने आउटडोर में लिए हैं। सो आप बताइए आपको इन पिक्चर्स की क्वालिटी कैसे देखने को लग रही है। एंड यस, डायनेमिक रेंज को काफी अच्छा बैलेंस कर लेता है, स्किन टोन्स काफी अच्छे आते हैं एंड हार्ड सनलाइट में भी काफी बेटर बैलेंस कर लेता है पिक्स को। एंड HDR मोड में भी जो डार्कर एरियाज है उनको काफी अच्छे से ब्राइटन अप कर देता है। एंड यस, OIS इज देयर, सो आप स्टेबल वीडियो शूट कर पाओगे। वीडियोस आप मैक्सिमम 4K एट 30 FPS पे शूट कर पाओगे रियर से। सो गाइस, ये था Vivo Kawaii 100। मुझे तो काफी पसंद आया, ये फोन काफी अच्छे डिसेंट स्पेक्स दे देता है आपको एंड देखने में भी काफी प्रीमियम डिजाइन एंड लुक प्रोवाइड कर देता है। सो इसकी प्राइसिंग तो अभी 24,999 बताई गई है Vivo की तरफ से। सो आप बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके वॉचिंग एंड स्टे सेफ। जय हिंद।